अभी जो है ना जल्दी जल्दी मुझे होना है रेडी, रेडी स्टडी गो। फौरन जल्दी से लगाती हूँ लिपस्टिक, उसके बाद देखें कैसी लग रही है। तो व्यूअर्स अब जाके जो ना फाइनली मैं तैयार शेयर होके बैठ गई हूँ, और तैयार जो रिज़्क नसीब में है वो अल्लाह ने देना ही देना, भले कुछ भी हो जाए। तो यहाँ बिल्कुल जी बेडशीट चेंज हो चुकी है, तो बेड बिल्कुल रेडी है फिर से सोने के लिए। तो ये रहा मेरा खूबसूरत ब्लैंकेट, आप सबने बताना कि आपको मेरा ब्लैंकेट कैसा लगा है रेड एंड ब्लैक। तो यहाँ पर जो है ना ग्रीव सबने वॉश कर लिए, ठीक है अभी इन सब बच्चों में मैं तकसीम कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। यहाँ पर बेबो जी आज न्यू व्लॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का व्लॉग का हो चुका है स्टार्ट, तो देखते हैं कि आज का व्लॉग कैसा रहता है। यहाँ पर मेरी ये ना पता नहीं क्या हुआ, ये रेड रेड हुआ, ये देखें यहाँ पर एक हल्का सा ऐसे पता नहीं क्या बना हुआ था, रैशेस सा जैसे होता कुछ ऐसा बना हुआ था, उसको मैंने थोड़ा सा ना ऐसे करके ऊपर से उसका वो आया वो छिलका सा वो मैंने उतार दिया, और उसकी वजह से रेड रेड हो गया। तो यहाँ पर है मेरा शहजादा, ये भी तैयार श्यार हो गया, नहा धो के है रेडी हो, ये भी रेडी हो तो मैं भी रेडी हूँ। अभी जल्दी जल्दी सिकंगी करते हैं और व्लॉग का आगाज हो चुका है, और देखते हैं कि आज का व्लॉग अपने व्यूवर्स के लिए हम कैसा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी मेरे गुलदान कितने खूबसूरत हैं, ये देखें ये लकड़ी जैसे मैंने मैच करके लिए थे, और ये लकड़ी के एक उस तरफ पड़ा, एक इस तरफ पड़ा है, और यहाँ पर खड़ा है अजीम। अजीम कहाँ खड़ा है, अजीम कहाँ खड़ा है? तो यहाँ पर हूँ मैं। तो अभी जी आज जो ना यहाँ से मैंने काफी सारा चीजें जो ना हटा दी, बस यहाँ पर ये दो तीन चीजें रखी है, एक मेरा ये वाला रॉकेट वाला पर्स, एक ये वाला और एक ये वाला, और बस लोशन पड़ा है। अजीम जो मेरा फोन उठा के उधर ले आओ बेटे। तो भाई अभी फाइनली जो ना अपनी सीट की तरफ हम पुदार रहे हैं, अपनी सीट की तरफ जो कि सीट है यहाँ जिसपे मैं रोज रोज बैठूं। मैं सोच रही हूँ आज मैं ना जगह चेंज करूं, आज मैं इस तरफ बैठती हूँ, लेकिन पहले मैं कंघी करवा लूं, नहीं तो ऐसे मेरी कंघी जब होगी तो सारा जो बालों का पानी होगा ना वो पीछे जाएगा बेड के ऊपर। तो कंघी इधर बैठ के करवाते हैं, उसके बाद उधर जाएंगे, क्योंकि अभी ये साइड पे करो, अभी पैर भी वॉश होने हैं मेरे, उसके बाद उस तरफ जाऊँ। यहाँ सुम्मा शहजादी तुम यहाँ बैठी हो क्या कर रही हो यहाँ पर? सुम्मा शहजादी आप तो मेरे लिए चेयर चूर भी सेट नहीं करती है, फूफो की तरह जैसे फूफो बैठ जाए उठती नहीं, तुम भी आजकल वैसी हो गई हो है। चलो ठीक है, यहाँ पर आ गया टैप, अभी पैर वॉश करवाती, पानी मैंने गर्म करवाया, उस गर्म पानी के अंदर पहले पानी को एडजस्ट करेंगे भाई नॉर्मल सा। परिश मेरा अंदर रह गया था? हाँ जी। आप लेके आए हो? अच्छा जी, ये देखे पानी तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, अच्छा होगा मेरे पैर टैप के अंदर नहीं थे, नहीं तो आज जल जुल जाने थे। अभी इसमें थोड़ा सादा पानी डालेंगे, तो बस इसको बराबर करेंगे फिर पैर वॉश करेंगे। तो ये गया जी इसमें सादा पानी, अभी भी काफी गर्म हो गया, एक पतीला और डालो। तो भाई अभी जो ना एक पैर को मैं टकोर दे रही हूँ, जो मेरा पैर सही नहीं उसको गर्म पानी में, पानी काफी गर्म है उसको थोड़ा थोड़ा मैं पानी में रखती हूँ और फिर बाहर निकाल लेती हूँ, फिर रखती हूँ फिर बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखे पानी काफी गर्म है, और इसको मैं हल्का हल्का इसमें रख के जलन हो रही, फिर मैं बाहर निकाल लेती हूँ इसको। पप्पू शहजादे सौदा सामान ले आ जाके जल्दी जल्दी, तो आज फिर आप लोगों की मनपसंद डिश भी बना देती हूँ, ठीक है गो गो गो। तो भाई पप्पू को भेजा था कुछ चीजें लेने के लिए, कुछ चीजें जो मंगानी थी वो सब कुछ पप्पू लेके गया है। यहाँ पर जी पप्पू माशाल्लाह माशाल्लाह सौदा सामान लेके आ गया, क्या कुछ लेके आए हो भाई दिखाओ तो, दिखाओ कैसे लेके आए हो, कैसी चीजें लेके आयो, साफ सुथरी लेके आयो, अच्छी लेके आयो, माशाल्लाह माशाल्लाह। ग्रेप्स तो बहुत मजे के हैं, और क्या लाए हो? बनाना माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर एप्पल है माशाल्लाह माशाल्लाह, घी और अंडे हैं, घी और अंडे। आपको क्या पसंद है जीम? सब चीजें। चले ये फ्रूट बनाना को और ग्रेप्स को वॉश करवा लो, ठीक है तो फिर मैं आप सबको देती हूँ। ओके ओके। तो यहाँ पर जो है ना ग्रेप्स हमने वॉश कर लिए, ठीक है अभी इन सब बच्चों में मैं तकसीम कर देती हूँ। बनाना भी निकालो टोकरी में, दो पकड़ो सुम्मा, पहले बनाना खाओ जो बच्चों को ज्यादा पसंद होते हैं। पप्पू पकड़ आ जा, ये थोड़े से वहां पे रखने चला गया। अच्छा उस कोने में पहुंच गए, यहाँ पर मैंने आपको कहा था रख दो, चलो रखो वापस आ जाओ, लो बेड पे रख के आ गया वो जिम। ये क्या करते हो आप? वो ट्रॉली के ऊपर रख रहे थे बेटे, चलो आ जाओ आप। अच्छा चलो आ जाओ, ये लो पकड़ो, मैं खराब डाल दी।
दागी नहीं बेटा, मैंने सही दी है, दागी तो कोई था ही नहीं बनाना, जो सा पसंद है वो ले लो, ठीक है। सौदा सामान भी आ गया, पप्पू भी आ गया, मैं अभी तक पानी में पैर रख के बैठी हुई, अभी तक मैंने कंघी भी नहीं की, अभी तक मेरे काफी सारे काम होने वाले हैं, और आज मैंने भी काफी सारे काम खुद भी करने हैं। इसको देखो कैसे लेटी हुई है। योर बेबी स्मॉल बेबी, यस योर स्मॉल बेबी एंड वीम बिग बेबी, यस। तो यहाँ पर जी फाइनली अब जाके मेरी कंघी होनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैं ही बिजी थी, मैं ऐसे ही बालों को बांध के बैठी थी, मैं छोटे मोटे साथ कुछ बता रही थी, कुछ काम करवा रही थी, कुछ काम कर रही थी, मैंने कहा खैर कंघी तो हो ही जानी है, केड़ी नहीं होनी। अभी जल्दी से जो ना मैंने सोचा थोड़ा सा लोशन वोशन लगा लूँ, क्योंकि शावर लेने के बाद तो जाहिर है फिर खुश्की होती होती है मुँह हाथ धोने के बाद भी, और मैं सर्दियों में यही इस्तेमाल करती हूँ निविया। एक लोशन और मेरे पास पड़ा, मैं लेके आई, उसको मैंने यूज ही नहीं किया ना, वो बिल्कुल न्यू मेरा पड़ा है और वो ब्रांडेड है, और वो कौन से ब्रांड का है किसी टाइम वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी और बताऊंगी और यूज भी करूंगी, बस ला के रखा है तो यूज ही नहीं किया। उस टाइम मैंने तकरीबन चार चीजें ले आई थी, एक ये लोशन था, एक और था मेरे पास, वो भी मैं यूज करती रही, ये भी करती रही, और वो वाला जो अभी तक उसी तरह बिल्कुल न्यू पड़ा हुआ है, एक वो मैं ले आई थी नाइट क्रीम, नाइट क्रीम भी मैंने यूज की, तो फिर वो वाला जो था ना इसी तरह पड़ा, उसको अब यूज करके मैंने सोचा था वो वापस करूंगी ना, मतलब इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, वो उन्होंने डाल दिया, उसकी पेमेंट भी हो गई थी, मैंने वो कहा था कि मैंने नहीं लेना ना, फिर भी आ गया था, तो उसको भी अब यूज करेंगे, चलो मतलब जरूरत तो उसकी पड़नी पड़नी। अभी मैं सोच रही थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लूँ, मेरे जो लिप्स है ना वो काफी जो ना ड्राई हो रहे हैं, तो लगाते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी मुझे होना है तैयार, और मैं जल्दी जल्दी तैयार क्यों हो रही हूँ, किस लिए हो रही हूँ, ये तो फिर आगे चल के पता चलेगा। ओहो ये मेरी लिपस्टिक ना मेरा परस धूप में पड़ा था तो सारी खराब होगी, ये देखें। अभी जो है ना जल्दी जल्दी मुझे होना है रेडी, रेडी स्टडी गो, फौरन जल्दी से लगाती हूँ लिपस्टिक, और उसके बाद देखें कैसी लग रही है। ये है तो डार्क, मैंने लाइट ही लगानी है, मैं जल्दी जल्दी लगा लेती हूँ, ये देखें मैं ऐसी लिपस्टिक बातें करती करती भी लगा लेती हूँ मेरे होंठ बहुत प्यारे हैं और इनकी शेप भी बहुत प्यारी है, ठीक है। और फिर आपको हर काम में स्पार्ट होना चाहिए। तो व्यूअर्स अब जाके जो ना फाइनली मैं तैयार शेयर होके बैठ गई हूँ, और तैयार क्यों ही, बस ऐवे मैं तैयार, मैंने कहा नहाई हूँ जरा थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, काफी दिन हो गए मैंने कोई लिपस्टिक नहीं लगाई, और मैं लगानी कोई नहीं थी, बस मेरे जो लिप्स थे ना ये ना काफी ड्राई हो रहे थे बहुत ज्यादा, और आप लोगों को पता ही जैसे कि अब सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में फिर ऐसे ही होता है, तो अब जो ना मैंने थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज कर ली वहां बैठती थी जहां पे अभी पप्पू बैठा हुआ है, तो अब जो ना मैंने इधर बैठना करना है। मेरे कुछ व्यूवर्स कहते हैं कि आप जो ना वहां ना बैठे यहाँ बैठे, पीछे जो आपका बेड है हमें बहुत खूबसूरत लगता है, तो चलें ठीक है जी, रोज रोज आपको व्लॉग में यहाँ बैठ के मैं स्टार्टिंग जो भी करूँ करूंगी व्लॉग बनाऊ करूंगी, तो आप लोगों को बेड भी देखने को मिल जाएगा। आप ये शिकायत ना करना कि वो पीछे से दीवार खराब है, ये काफी सारा जो है ना घर का काम होने वाला, तो अभी तो फिलहाल मेरी सिचुएशन में नहीं हूँ कि भाई इसको मैं सेट सुट कराऊं, क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 4-5 लाख का खर्चा होने वाला है, तो अभी नहीं देखेंगे, कोई 2-4 महीने ठहर के मौसम जब चेंज हो जाएगा, सर्दियां खत्म होगी गर्मियां आएंगी, तो उसके बाद उन्हें इसको कराएंगे। और इसमें ना काफी सेम आती बाहर एक नाला था, उन्होंने बांध तो किया लेकिन उसको अच्छी तरह से बांध नहीं किया, जो नीचे था ना गंद बला नीचे ही रह गया, ऊपर से गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, वो मेरा है नीचे से दीवारों को सेम चढ़ती है, तो हम कुछ प्रॉपर कराएंगे कि वो बाहर उसको एक बार खुदवाई करवा के ना, तो अच्छी तरह से उसको नीचे से बांध करवाएं, ताकि उसकी जो सेम है वो फिर से अंदर दोबारा ना आए, दीवारें फिर से खराब ना हो। और बाकी ये पूरा घर इस तरफ ठीक है, इधर नहीं आती, उस तरफ ही आती जो फ्रंट वाली साइड है और जो वाशरूम वाली साइड है, तो मैंने बंदा एक बुलाया था वो चेक कर रहा था, वो कह रहा था कि शायद अंदर से कोई पाइप भी हो सकता है लीक हो वाशरूम का, तो वो भी वो कह रहा था कि दीवार के अंदर तोड़ के फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पाइप खराब है कौन सा लीक है, फिर उसको चेक करना कर पड़ेगा, तो वो भी काफी खर्चा उसने बताया। तो मैंने उसको कहा कि भाई एक ही बार हाथ लगाएंगे मतलब बार बार नहीं, इसको सेट कराए तो जब तक दोबारा बाकी सेटिंग करानी, इतनी देर में फिर ये खराब हुआ हो, तो मैंने कहा एक ही बार जो है ना पूरा पेंट भी करवा लूंगी, सारा चेंज करूंगी, और जो वॉशरूम की प्रॉब्लम जो बाहर वाली सेम आती है उसको तो खैर हम अभी जल्दी जल्दी करेंगे, और पाइप का भी मैंने कहा था कि कुछ जुगाड़ लगाओ कि ज्यादा मतलब वो ना करना पड़े, छोटे मोटे से गुजारा हो जाए,
अगर ज्यादा लंबा चौड़ा निकला है सिस्टम तो फिर जाहिर है उसका खर्चा भी ज्यादा होगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो मैंने कहा कि कोई शॉर्ट वे में देखो कि ये इसकी जो सेम है ना ये खत्म हो जाए। तो बाकी मैंने कहा जो सर्दियाँ खत्म होती है तो उसके बाद जो ना फिर पूरे घर की जो सेटिंग है ना वो उसको सेट सूट करेंगे। हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ऊपर शिफ्ट हो जाऊँ क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ना ये सेम नहीं है, स्लाब नहीं है, ऊपर वाला बिल्कुल साफ है। तो उसके पेंट शेड न्यू करवा के ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी और जो नीचे है नीचे फिर इसको जो ना बेशक खाली भी रहे अगर ना भी हमने करवाया सेट तो हो सकता है दो चार छह महीने ठहर के फिर इसको सेट करवा लेंगे। बस ऊपर की प्रॉब्लम ये कि ऊपर वाला पोर्शन मुझे पसंद नहीं, ऊपर सामान चढ़ाना उतारना बहुत मुश्किल होता है, चीजें सारी खराब हो जाती हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल मेरे लिए कि ऊपर चढ़ना उतरना सीढ़ियां वो भी प्रॉब्लम है। लेकिन फिर देखेंगे कि क्या करना है, फिलहाल सोचा है मैंने ऐसा कुछ के देखती हूँ अगर ऊपर, क्योंकि ऊपर फिर वो हमारा जो है बालकनी भी है सारा कुछ, उधर बंदा बाहर भी जा सकता है व्लॉग भी और अच्छे से बना सकता है, फिर ऊपर से छत भी करीब रहेगी, छत पर भी जा सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं क्या कुछ नहीं करते। वैसे वो मैंने सोचा है अगर ऊपर भी मैं शिफ्ट होंगी तब भी कम से कम 3-4 लाख का ऊपर भी खर्चा है। ऊपर मैं सोच रही हूँ कि पूरे का पूरा जो है ना वॉलपेपर या कोई ऐसा पेंट कराऊं कि जो जल्दी जल्दी खराब ना हो। फिर घर में जहाँ पे बंदा रह रहा होता है रैश होती है साथ सामान और इतना कुछ, वो सब बार बार उसके पेंट करवाने बहुत मुश्किल होते हैं और बार बार खर्चा करना भी मुश्किल होता है। जाहिर बात है नॉर्मल जो ऐसे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं मिडिल क्लास लोग, बार बार हर 6 महीने बाद या साल महीने बाद 2-4 लाख रुपया तो एक्स्ट्रा नहीं होता वो खर्च करने के लिए। तो इसलिए वही होता पूरा सूरा के जो निज़ाम चलता रहता है साथ साथ। और मेरा तो सबको पता भी है कि मेरे साथ साथ और भी काफ़ी, मतलब मैं अपनी फैमिली को भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनके नसीब का देता है तो उनको भी थोड़ा बहुत देती हूँ, बस उनके भी ज़रा मसले सॉल्व हो जाए मेरे भाई दोनों के तो फिर जो है ना वो भी अपने अपने घर संभाल लेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं और बेहतर हो जाऊँगी। और पहले मेरा भाई था छोटा जो अजीम का पापा, वो भी मेरे साथ होता था, छोटे मोटे हम काम के कुछ ठेके भी लेते थे उसमें भी कुछ कई जगहों पे हम पैसे में पास से भी लगा देती थी तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे वो भी निकाल के देता था, ठीक है। और अब जब से वो चला गया तो फिर जाहिर उसकी जिम्मेदारियां भी मुझ पे पड़ गई और जो वो कमा के कुछ हमें हिस्सा देता था उससे भी हम महरूम हो गए और उल्टा उसकी फैमिली जो थी वो भी सारे मतलब फिर मेरे पल्ले पड़ गए। तो बस इसमें मेरा कुछ नहीं, मैं कहती हूँ जो कुछ भी है अल्लाह की करम नवाजी है, जो कुछ भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह ताला ने जो भी किया और जो भी कर रहा है वो बेहतर ही होगा। बाहर होता तो पता नहीं क्या होता, ठीक है। हो सकता है कभी कभी इंसान कोई बड़ी मुश्किल से छोटी मुश्किल से बड़ी मुश्किल से बच जाता है, छोटी मुश्किल जो है उसके सर पे आन पड़ती है। तो कोई बात नहीं, हर चीज को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके फेस करना चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलें जी देखते हैं व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं कि आज का व्लॉग हमारा कैसा रहता है आप सबके लिए। तो आए फिर ये देखें जीम के अंगूर, जीम के अंगूरों का गुच्छा कितना खूबसूरत छोटा सा ना जीम, कैसा लग रहा है दिखा दे देख के बता सही मजे के। यहाँ पर हमारी हांडी बन रही है जी, मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। हांडी हम क्या बना रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास बिल्कुल बारीक कटे हुए आलू, ये आलू अभी जाएंगे सारे मसाले के अंदर। तो यहाँ पर जी आलू भी ऐड हो गए, तो यहाँ पर बन रहे हैं आलू, क्या आलू, आलू नहीं आलू अंडे, अंडे आलू। हाँ जी तो नहीं चंगे खा के जल्दी जल्दी आ गई हो। चलो यहाँ पे आलू अंडे बन रहे हैं जी, बिल्कुल जी खाना शाना गया है बन और अभी फाइनली हम आ गए अंदर और अब सब बच्चों को देते हैं खाना और सब बच्चे खाएंगे खाना तो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर जो हमारे आलू अंडों का सालन हो गया था रेडी, आपने ये वाला खाना है? हाँ जी। चलो ये वाला खा लो, ये तो फ्रिज से निकाला, आपने ठंडा ही खाना है? नहीं तत्ता करके खाऊंगा। अच्छा गरम गरम तत्ता करके खाऊंगा। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बड़ी प्यारी रोटियां, मैंने कहा सबकी पका के लेके आ जाओ, सबकी पक के आ गई, मैंने कहा एक ही बार जो ना मैं सबको डाल के देती हूँ, अभी सबको खाना डाल के देती हूँ। सबको खाना देने के बाद मैंने अपना खाना लिया और मैंने जो ना रोटी के ऊपर सालन रखा है, मुझे ऐसे बहुत मजे का लगता है। तो अभी हम खाएंगे खाना और आप भी आए हमारे साथ खाना खाए। आज हमने फिर से आलू अंडे बनाए, उस दिन हमारे आलू अंडे बहुत मजे के बने थे और बच्चों को बहुत पसंद आए तो ये कहने लगे कि आज फिर हमने जो ना आलू अंडे खाने, मैंने कहा चलो जी खा लो आलू अंडे और अभी मैं भी खा रही हूँ आप भी खाएं। काफी दिनों से कावा पी पी के ना मेदे में काफी जलन हो रही है तो आज हमने साथ में बना लिया जी लस्सी। वैसे तो मौसम सर्दी का आ रहा है, व्यूअर्स कहेंगे एक तरफ कावे पीते और एक तरफ लस्सियाँ, भाई क्या करें।
कावा पी पी के भी जो मैदा है वो बहुत हीटअप हो गया हुआ, तो थोड़ा सा ठंडा करने के लिए उसको ना लस्सी बनाई है। ये है जी बीफ पुलाव, बीफ बन्नू पुलाव। तो अभी जी असद लेके आए हैं, साथ में रहता, ये उसके लिए निकाल दिया रहता कौली में, अभी उसको देते हैं। मैंने कहा भाई दिखाओ एक क्लिप हम बना लें बन्नू पुलाव का, बहुत मज़े का होता है और इसके अंदर ये बीफ होता है ना ऐड। भाई हम सब ने तो खाए आलू अंडे, तो जो मेरा लड़का है उसने कहा जी मैंने तो आलू अंडे खाने नहीं है, मेरे तो मैदे में जलन हो रही, पता नहीं क्या 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 हो रहा है, और मुझे तो चाहिए बीफ बन्नू पुलाव। मैंने कहा चलो आप बीफ बन्नू पुलाव खा लो, जो तुम्हारा दिल कर रहा तुम वो खा लो। मैं खाने पीने के मामले में कभी भी ना खुद और ना ही बच्चों के साथ, मैं इनकी पसंद का खाना जो इनको पसंद हो वही हमारे घर में पकता है और वही चीज़ें आती है। मैं कहती हूँ कि एक खाना ही तो है जिसके लिए इंसान मेहनत करता है और सारी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ कहाँ तक के टूटे खाता है, तो वो रोटी भी अगर इंसान को पसंद की ना मिले तो फ़ायदा क्या। खाओ पियो ऐश करो, जो होगा देखा जाएगा, आज है आज खा लो कल की कल देखेंगे। हम ऐसे हैं, मैं ऐसी हूँ खास तौर पर। मेरी अम्मी भी मुझे ये कहती है कि आज जो तेरे पास होता है उसको आज ही ख़त्म करने की कोशिश, मैं कहती अम्मी ख़त्म करने की कोशिश नहीं करती, मैं कहती हूँ जिसका जो दिल है वही खा लो कल का कल देखेंगे, जो रिज़्क नसीब में है वो अल्लाह ने देना ही देना भले कुछ भी हो जाए। काफ़ी दिन से ये बेडशीट पड़ी हुई थी, अभी मैंने कहा इसको आज चेंज करते हैं, दूसरी बेडशीट डालते हैं। ये देखिए मेरा मैट्रेस उसी तरह नए का नया, इतना यूज़ नहीं होता ना इसलिए बहुत कम है इस पर, कभी अंदर सोफ़ा कम बेड पर सो जाती हूँ तो इस पर कोई भी नहीं सोता, तो उसी तरह नए का नया पड़ा हुआ। ये देखिए अभी तक उसके जो ऊपर वो लगे हुए थे ना ये स्टिकर वगैरह वो भी नहीं निकले। अभी जो ना मैट्रेस की हम साइड चेंज करने लगे हैं, एक तरफ से काफ़ी यूज़ हो चुका है, अभी दूसरी वो वाली साइड इधर लानी है। साइड चेंज करते करते यहाँ से ये थोड़ा सा कवर हमसे फट गया, चले कोई बात नहीं, खैर भाई एक ना एक दिन तो कवर ने फटना ही है उतरना ही है। तो अभी जो ना मैट्रेस की साइड चेंज हो गई है, या मैंने ये है कि वो जो साइड उस तरफ चली गई ना उस तरफ मैं सोती रही हूँ ना, ये साइड यूज़ नहीं हुई, अभी इस तरफ सोऊंगी और ये दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी सो सो के। ये देखें मेरा खूबसूरत ब्लैंकेट, ये देखें कितना प्यारा मेरा ब्लैंकेट है। तो यहाँ पर जी बेड जो है ना बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है चलें सोने के लिए बेड रेडी है, लेकिन अभी तो मैं उठी हूँ। तो यहाँ पर आप जो मेरे पीछे बेडशीट देख रहे हैं ये बिल्कुल, ये पार्ट हमने ना थोड़ा टाइम पहले बनाए थे लेकिन वो लगाए हमने बाद में थे, ठीक है। ये वाली बेडशीट फाइनली डाली थी आज, और ये ब्लैंकेट, ये बहुत प्यारा ब्लैंकेट और मुझे ये वाला ना बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा, और आज यहाँ पर इस साइड पर बैठ के व्लॉग बना के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बैक साइड की थोड़ी सी ना लुक चेंज हो गई है, लेकिन एक चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लग रही, मतलब सारा कुछ ठीक ठीक प्यारा प्यारा आ रहा है, वो जो दीवार खराब है वो मुझे भी अच्छी नहीं लग रही। इसका मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ, देखती हूँ कि इसके लिए इसको मतलब यहाँ से साफ दिखाने के लिए हमने क्या करना है, या तो फिर यही वाला पेंट लगा के वहाँ पे लगा देते हैं जितनी जितनी दीवार खराब है, या फिर कोई और इसका साफ लगाते हैं हम। सुम्मा शहजादी, सुम्मा शहजादी, आंधी दिए बच्चिए ऊपर जा, असद से पूछ के आ कि फुप्पो का नेट नहीं चल रहा, उसको बोलो असद भाई नेट को क्या हुआ, जा जल्दी, और उल्टी फ्रॉक पहन ली है आपने। जी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज की जो भी रूटीन थी मैंने आप सबके साथ शेयर की, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी, क्योंकि आजकल रूटीन के घर के जो छोटे मोटे काम काज है उनको मैं ही देख रही हूँ, खास तौर पे खाना, खाने को मैं देख रही हूँ, खाना मुझे बनाना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी हो गया, अब मैं चाह रही हूँ कि इस ब्लॉग को करूँ एंड, उसके बाद डीट शीट करके थोड़ी सी मैं रेस्ट कर लूँ, बल्कि उसके बाद अभी मुझे और भी कुछ करना है, उसका भी हो सकता है व्लॉग बनाए, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। फिर ऐसे व्लॉग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर सब कुछ हमने आज इसी व्लॉग में दिखा दिया तो फिर व्लॉग ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए हम एक अलग से व्लॉग बनाएंगे, तो एक बहुत ही मज़े की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी। वो रेसिपी करते करते ना मुझे पता है कि टाइम लगेगा, और टाइम भी लगेगा फिर ये कि इसको भी एडिट वगैरह कर कर के मैंने डालना होता है, तो इसलिए फिर व्लॉग भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को भी ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है उसको देखने के लिए, तो बेहतर है कि हम इतना ही रखें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।